अबे वो मैकेनिक, चल के हमारी गाड़ी ठीक कर दे, खराब हो गई है। Excuse me, ये कोई मैकेनिक नहीं है, ओके? So, अरे दिखाई तो दे रहा, अच्छा खासा मैकेनिक है, हमारी गाड़ी ठीक कर देगा तो क्या प्रॉब्लम है? और तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? हम उससे बात कर रहे हैं ना, तू क्यों बोल रही है? तमीज में बात करिए, वो ना कोई मैकेनिक हो और ना कोई आपकी गाड़ी ठीक करने जा रहे हैं। अबे ओ, किस बात की एड दिखा रही है? जब हम बोल रहे हैं हमारी गाड़ी खराब हो गई, हम लेट हो रहे हैं, तो तुम्हारे को क्या नुकसान हो रहा है? पैसे दे रहे हैं ना, तो आप मैकेनिक को बुला लीजिए ना। क्यों बुला ले भाई मैकेनिक, जब दिखाई दे रहा है हम क्यों बुला ले किसी को? मैंने बोला वो कोई मैकेनिक नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा एक बार में? तू कौन होती है मुझे समझाने वाली? और तू समझाएगी मुझे हा? क्या करना है क्या नहीं करना? आप बिना मतलब सर नहीं चढ़ रहे, आपको लग रहा है सर चढ़ रहे? अरे हम यही तो कह रहे हैं हमारी गाड़ी खराब होगी, ठीक कर दो, यहाँ पे खड़े तो हो। ओ मैम, आपने मेरी मम्मा से तमीज में बात करी है, और गाड़ी रिपेयर करे तभी हमने उन्हें मैकेनिक बोला है, ओके? तो वो हमारी गाड़ी है और थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो हमने खुद ठीक कर लिया। ये लीजिए फोन, और मैकेनिक को फोन करके बुला लीजिए। ओ हेलो, तुम्हें क्या लगता है हमारे पास फोन नहीं है? हमें फोन की गर्मी दिखा रही हो तुम? अरे इनकी शक्ल भी तो मैकेनिक जैसी है ना। आपको क्या मेरे पापा मैकेनिक लग रहे हैं? पापा? हाँ वो मेरे पापा है, और वो हमारी गाड़ी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हमने खुद ठीक कर लिया। तो आपके पापा मैकेनिक है? तमीज में बात करिए आप। आप मेरी छोटी बहन से इस तरीके से बात नहीं कर सकती, समझ में आई? शक्ल भी तो मैकेनिक जैसी लग रही थी। अरे गाड़ी ठीक कर दोगे, प्रॉब्लम क्या है, इतना झंझट क्यों पाल रहे हो? इतनी सी तो बात है, अगर ये देख ली तो उसको देख ले में क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो? क्या बोली, बदतमीज? अब तो तेरा बाप ही गाड़ी हमारी ठीक करेगा। अब तो एटीट्यूड की बात आ गई है। अब बात हमारी ईगो की है, अब तो तेरा बाप ही गाड़ी ठीक करेगा। How dare you? संभाल के बात कर। ठीक हुआ तेरे साथ जो हुआ ना, बिल्कुल ठीक किया मेरी लड़की ने। आप लोग कितनी मनमानी कैसे कर रहे हो? कैसे कर रहे? तू भी तो मनमानी कर रही है। अरे इतनी सी बात है, इतना बड़ा तूने राई का पहाड़ बना के रख दिया, छोटी सी बात ही कर देता ठीक, इतनी बात बढ़ा दी तूने। राई का पहाड़ मैं बना रही हूँ, आप मेरे पापा की इंसल्ट कर रहे हो, और मेरी भी। आप लोगों के अंदर थोड़ा सा भी मैनर्स है या नहीं है? तो जैसे बहन जी में इज्जत है जो हम तेरी इंसल्ट करेंगे? ये देख रहे हो, पहनने का सेंस तो देखो माँ। हाँ कैसे ऑकवर्ड से लग रही है। ये कहाँ से ले आई तुम ये कपड़े, सस्ते सस्ते कपड़े, और एटीट्यूड ऐसे दिखा रही हो, पता नहीं कितने रईस घर से बिलोंग करती हो तुम, कितनी हाई फाई सोसाइटी की हो। अपनी औकात देख, जितना कह रही ना उतना समझ ले, और हमारा काम कर दे। इनको पैसे दे देते हैं यार। तुम जैसे गरीब धूप में खड़े रहने की तुम्हें आदत है, हमें आदत नहीं, बहुत गर्मी लग रही है मेरे बच्चों को। अपने बाप से बोल हमारी गाड़ी चल के ठीक कर दे, कैसे प्रॉब्लम भी है। अब हद से पार हो गया आपका। अबे ओ, इतनी अकड़ किस बात की तेरे अंदर? अरे रहन दो दीदी, इनके मुंह मत लगो यार, वैसे तो बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पे। छोटे लोग हैं, बात करने की तहजीब तक नहीं सिखाई इनके माँ बाप ने। आपको पता है हम कौन है और कौन नहीं? तुम लोगों को तमीज नहीं है क्या? अबे ओ, इतनी अकड़ किस बात की तेरे अंदर? सही किया, इस लायक है, तमीज नहीं तुम लोगों को? चल ना, तुझे तो गाड़ी के नीचे कुचल दूं। पड़ी आई, देखो स्टैंडर्ड किसी चीज का नहीं है माँ, अकड़ इतनी है सातवें आसमान पे इन लोगों की, छोटे लोग कहीं के। पता नहीं हम भी इन जैसों के मुंह क्यों लग गए। अरे हमारा काम कर दो, हम तो जाएं यहाँ से। अरे फ्री में नहीं करवा रहे, पैसे दे रहे हैं। माँ मैं दे देती हूँ, इतना तो शायद ये दो गाड़ियां भी ठीक करके नहीं कमा पाएंगे जितना मैं अपने जेब में वैसे लेके घूमती हूँ। ये पकड़िए और गाड़ी मेरी चल कर ठीक कर दीजिए। मैम आपका बहुत हो गया, आप बहुत पछताओगी बाद में। नहीं तो क्या हमारा गिरना। इधर बात कर, उससे क्या बात कर रही है, मेरे बच्चों से क्या बात कर रही है? मैं भी देखना चाहती हूँ तुम लोग और कितना गिर सकते हो। तो पता भी है, मैं खुद के दम पे एक कंपनी चला रही हूँ, वो भी अपने पापा की। और सारा पैसा मैंने इन्वेस्ट किया अपने बच्चों पर। बच्चों तू जानती नहीं हम क्या चीज है, अभी ना खड़े खड़े तुझे और तेरे पूरे खानदान को खरीद सकते हैं। अच्छा? हाँ जी। तेरे लुक को देख के लग ही रहा है कि तू कोई गवार है, ठीक है, और गांव से उठ के आई हुई है, और तेरा बाप भी गवार ही लग रहा है, ठीक है। तमीज में बात करिए मैम। क्या तमीज में बात करूँ, हमें गाड़ी ठीक करवानी है भाई अपनी, और गर्मी लग रही है यहाँ पे। अगर ये मैकेनिक है तो कर क्यों नहीं रहे, पैसे दे दो ना मम्मा इनको। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? कोई मैकेनिक नहीं है। छोटी बहन से ना तमीज से बात करो मेरी, आप मेरे पापा के बारे में ऐसे बोल नहीं सकते। अबे ओ, मेरे रहते मेरे बच्चों को तू कैसे बोल रही है, और तू क्या खड़ा खड़ा देख रहा है? अपनी बेटी को तूने कोई संस्कार नहीं दिए, बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं है? संस्कार आपने कौन से अपने बच्चों को? जबान चला रही है वो भी मेरे आगे। अबे ओ, तो जानती नहीं मुझे, ये द्वारका सेक्टर 12 का पूरा एरिया ना मेरे और मेरे पति के अंडर में है, समझ में आई तेरे? तेरा ना यहाँ खड़ा रहना दुश्वार करवा दूंगी, समझी, और इस शहर में रहना भी मुश्किल कर दूंगी। जानती नहीं है मैं हूँ कौन, ऐरा गहरा लगा रखा है क्या मुझे, हल्के में ले रही है क्या? अच्छा मैं भी जानना चाहूंगी, कितनी बड़ी तोप हो आप जो यहाँ रहना दुश्वार कर दोगी मेरा। बेटा चलें, इन लोगों के मुंह लगना बेकार। हाँ पापा चलते हैं। अबे अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मैंने कहा ना गाड़ी ठीक कर तो गाड़ी ठीक,
कहीं आपको पछताना ना पड़ जाए। एक बार बोल दिया ये कोई मैकेनिक नहीं है, अपनी गाड़ी खुद ठीक करवाइए आप। यहाँ पे मेरा और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतनी देर बहस करने में वेस्ट कर दिया। अब तक मैकेनिक बुलाया होता तो गाड़ी ठीक हो चुकी होती आपकी। ठीक है एजे, आप फाइल अपने पास रखिए, गाड़ी में बैठिए मैं आती हूँ। ठीक है ऑफिसर, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, इनसे मिलिए, असगर मेरे जूनियर और ये आकाश। अरे मैम आप कैसे हो? असगर जी आप इनको जानते हैं? जी मैम जानता हूँ, ये हमारे सेक्टर 12 की एसएचओ की वाइफ है। ओ तभी इनके इतने तेवर बदल रहे हैं। मैं तो ठीक हूँ, पर तुम इस गवार को क्यों मैम बोल रही हो? ये आपको पता नहीं है, ये कली यूपी से आई है, ये हमारी यहाँ की नई आईपीएस ऑफिसर है। क्या आपने बताया नहीं मैम इनको? मौका नहीं मिला, आप अच्छे से बताऊंगी। हाँ मैं यहाँ की आईएएस ऑफिसर हूँ, इनके तेवर तो बहुत देख लिए ना। सॉरी मैम मैं भूल गई थी, एक बिजनेस वूमेन के साथ साथ मुझ में इंसानियत होना भी ज़रूरी है। हर चीज़ पैसा मैटर नहीं करता, इंसानियत भी मैटर करता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम, आगे से मैं ये याद रखूँगी मुझसे और मेरी फैमिली से किसी के साथ भी ऐसा मिसबिहेव ना हो। सॉरी अंकल मैं भूल गई कि आप ही केज के मेरे पापा भी हैं, अगर मेरे पापा के साथ कोई ऐसा बिहेव करे तो मेरा भी रिएक्शन शायद यही होता। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ अंकल, आगे से मैं किसी के साथ भी ऐसा बिहेव नहीं करूँगी जिससे किसी की इमेज को हर्ट हो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, तुमसे भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। बेटा किसके मुंह लग रही है, जो मैंने तुझे संस्कार दिए ऐसे नहीं दिए, शायद इन्होंने ना अपने बच्चों को संस्कार देना भूल गई हैं ये। तुम चलो घर। सही कह रहे पापा, आप बैठिए। ऑफिसर्स आप भी ऑफिस पहुंचिए। जी मैम। आप बैठो पापा।